क्लास आपकी एर्थ एंड चैप्टर सिक्स आर्टिकल का ये द का यूज है, ठीक है। तो वेयर द आर्टिकल द इज यूज, कहां पर द यूज होता है आर्टिकल। द इज ए डेफिनेट आर्टिकल, इट टेल्स अबाउट समथिंग दैट हैज बीन नोन टू द रीडर। इन स्टोरीज, ड्रामास एंड नॉवल्स, ए करेक्टर इज इंट्रोड्यूस्ड विद द आर्टिकल ए, बट आफ्टर दैट दोज करेक्टर्स एंजॉय द कंपनी ऑफ द। देखिए, जैसे ए जिंट लिव्ड इन ए गार्डन, तो ए जिंट एक जो क्या रहता था, भूत रहता था, वो गार्डन में रहता था। तो द जिंट वाज ए क्रूअल पर्सन, तो जिंट कैसा पर्सन था, क्रूअल। तो द किसके लिए दिया है, जिंट के लिए, जो ए यहाँ पर आ रहा था एक भूत के लिए, उसके लिए हमने द दे दिया। तो ये डेफिनेट करने के लिए कि वही भूत है जो गार्डन में रहता था और वह क्रूअल है, ठीक है। सेकंड देखिए, ए ब्यूटीफुल प्रिंसेस लिव्ड इन ए प्लेस, एक ब्यूटीफुल प्रिंसेस किस में रहती है, प्लेस में रहती है। बट द प्रिंसेस स्लेप्ट ऑन ए सिल्वर बेड, पर किस पर सोती है, चांदी के सिंहासन पर, चांदी के बेड पर सोती है। तो इसमें द उसके लिए यूज आ गया, प्रिंसेस के लिए, ब्यूटीफुल प्रिंसेस के लिए। वही ब्यूटीफुल प्रिंसेस जो महल में रहती है, वही जो ब्यूटीफुल प्रिंसेस है वह सिल्वर बेड पर सोती है। इस टाइप से देखिए, द इज यूज्ड फॉर पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग, किसी पर्टिकुलर प्लेस और थिंग के लिए भी द का यूज होता है। ही इज द बॉय, यह वही लड़का है, हु केम टू माई रेस्क्यू, जो मुझे रेस्क्यू करने आया था। तो इट इज द कॉलेज फ्रॉम वेयर आई पास माई ग्रेजुएशन, ये वही कॉलेज है जिससे मैंने ग्रेजुएशन पास की है। इट इज द पेन विच आई वॉन्टेड, ये वही पेन है जिसको मैं चाहता, ठीक है, तो हूँ, तो जिसको मैंने चाहा था। तो इसमें जो ये जो आर्टिकल है, जिसमें पेन है, ये जो कॉलेज है, प्लेस है, स्थान है, इसके लिए ये बॉय है जो आपका कॉमन नाउन है, इसके लिए ये हमने दा का यूज किया है। मतलब एक डेफिनेट, वही लड़का, वही कॉलेज, वही पेन, ठीक है, मतलब एक डेफिनेट वस्तु है, इसके लिए हम दा का यूज कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, दा इज यूज्ड बिफोर नेम्स ऑफ माउंटेन्स, रिवर्स, सीस, ओशियंस, वैलीज, आइसलैंड, हेवनली बॉडी बॉडीज, स्केयर बुक्स, न्यूज़पेपर, सुपरलेटिव डिग्री, कम्युनिटीज। तो द हिमालय, देखिए हिमालय क्या है, ये पर्वत है, ठीक है, माउंटेन है, तो इसके लिए दा का यूज होगा। द गंगा नदियों के लिए, इंडियन सी समुद्रों के लिए, सागरों महासागरों के लिए दा का यूज होता है। पैसिफिक ओशियन, द कश्मीर वैली घाटियों के लिए, ठीक है, ये नेचुरल है। द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, ये भी जो द्वीप समूह हैं, ठीक है, जो 7 टेरिटोरियस हैं, उनके लिए भी यूज होगा था। द सन, क्यों प्राकृतिक स्टार है, ये इसमें गैलेक्सी में आता है। सन, मून, अर्थ, रामायण के पवित्र ग्रंथों के लिए भी आता है। द हिंदू, ए न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के लिए भी दा आता है। द बेस्ट, बेस्ट मीन्स सुपरलेटिव डिग्री के आगे भी दा लगता है। द रोस्ट, ठीक है, द मुस्लिम्स, जो जातियां होती हैं उनके आगे भी लगता है, द हिंदू। तो फोर्थ पॉइंट देखिए, द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ दैट पर्सन विच होम समवन एल्स हैज बीन कंपेयर्ड, जहां पर किसी प्रॉपर नाउन की तुलना किसी दूसरे प्रॉपर नाउन से होती है, वहां पर द का यूज होता है। जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास कौन थे, इंडिया के शेक्सपियर थे। सचिन तेंदुलकर इज द ब्रेन लारा ऑफ इंडिया, सचिन तेंदुलकर कौन थे, इंडिया के ब्रेन लारा थे, ठीक है ना। ये आपका कंप्लीट हो गया चैप्टर, ठीक है। और फिफ्थ है, कलेक्टिव नाउन्स सच एज ह्यूमैनिटी, लेबर, मैनकाइंड, प्रॉस्पेरिटी, सोसाइटी डोंट यूजली टेक इन द आर्टिकल, ठीक है। तो ये कलेक्टिव नाउन जैसे ह्यूमैनिटी, लेबर, मैनकाइंड, पॉस्टेरी, सोसाइटी, ये आर्टिकल नहीं लेती, ठीक है। अब देखिए, ये आपका एक्सरसाइज है, इंसर्ट ए और एन, ये एक्सरसाइज है, ए यूनिफॉर्म, यू है यहाँ पर, ठीक है, ए आ जाएगा, यूजफुल, ये सब हमने कर दिए हैं, और ये आपकी पिक डाल देंगे, इसको आपकी अपनी कॉपी पर कर लीजिएगा, ठीक है, ओके।